हेलो, वेलकम मेरे चैनल पर आप सभी का। और आप सभी लोग ठीक होंगे, मैं भी सब बढ़िया है। आज हमारी चारू की छुट्टी है, तो आज चारू को दादी के यहाँ जा रहे हैं मिलने के लिए। मम्मी, हम लोग ना कचौड़ी लेके चलेंगे। नहीं चारू, दादी को सांभर बड़ा बहुत पसंद थी, क्योंकि दादाजी बताते थे सांभर बड़ा। दादी ने हमारे सामने तो कभी नहीं खाया। खाया है, पापा के साथ जाते थे जब खाते थे। ओके, आज वही ले चलेंगे। चलो फिर उनके लिए सांभर बड़ा लेके चलते हैं। बस इडली विडली नहीं, देखते हैं अगर इडली अच्छी होगी तो ले लेते हैं, है ना? ठीक है, क्या खाओगे? अब वही खा लेंगे, कोई बात नहीं। मेरे तो कचौड़ी खाने का मन था, तो कचौड़ी। लेकिन कोई नहीं, दादी के साथ आज दादाजी की यादें ताज़ा करेंगे और खाएंगे क्या, इडली सांभर नहीं, बड़ा सांभर। सांभर सॉरी। ठीक है, तो फिर चलते हैं। आप चला रहे थे कि नहीं? तो वो चला, ये मैडम चला रहे थे। चश्मा वो सब जाने दीजिए, जो गया बैठ जाओ। चोट लगा दोनों को, कहाँ लगी है? अरे वो शीशा शीशा चोट तो लग गया। कहाँ लगी है? नहीं नहीं कुछ नहीं, चोट लगा, ये तो चपा गए। तो गाइस, जैसे अभी आपने लास्ट इससे पहले की वीडियो में देखा, मुझे नहीं पता था कि ये कैप्चर भी हो जाएगा। गॉड, बड़ी जोर से, थैंक गॉड हम लोग बहुत धीरे स्पीड में थे। और बस मेरे से गलती ये हुई कि मैं स्कूटी चलाते हुए फ़ोन पकड़ के बना रही थी। और मम्मी को भी लगी है हिप एरिया पे, उनको लगा है हड्डी पे, तो अभी बस इंजेक्शन लगाए जाएंगे। और मुझे भी यहाँ पर लगी है, और मम्मी को भी इधर लग गया है, और बाकी मुझे घुटने पे भी लगी है। ये तो शुक्र है आप सभी का साथ है, और हमारे बड़े ये देखो दादाजी को गॉड शायद उन्होंने दादाजी को ही याद कर रहे थे आज। और मैं अपनी सासू जी से मिलने जा रही थी, क्योंकि चंचल को बहुत दादाजी भी दिखाई दे रहे थे बार बार कि आज दादी की दादाजी के पसंद की चीज़ ले चलते हैं। बस वही उसी के लिए निकले हुए थे, वह उन्होंने बचाने वाले वही थे हमारे, जो उनका साथ था हम लोगों के साथ, क्योंकि गलती तो हमारे से हुई थी। ये एक्सीडेंट, सॉरी मम्मी, लेकिन आज के बाद ध्यान रखूंगी, ना वीडियो बनाऊंगी और ना फोन पे बात करूंगी। सभी से यही बोलेंगे कि फोन पे बड़ा बिल्कुल ध्यान नहीं देना, गाड़ी चलाते समय आप बिल्कुल मत देखिए कि कॉल आ रही क्या हो रहा। बस यही प्रॉब्लम की वजह से हम लोगों के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, और हादसा होते होते बच गया। थैंक गॉड, मतलब कि मम्मी ने एकदम से बोल दिया था, मैंने तुरंत ही ब्रेक लगाना स्टार्ट करी, नहीं तो फेस पूरा स्क्रैच वगैरह हो जाता। देखा तो बच्चे बोलो, काफ़ी लोगों ने बचाया, उन लोगों ने कहा चल के देखो, ये करके देखो। तो अभी हम लोग बस थोड़ा सा, मम्मी के कमर में दोबारा दर्द हो रहा था इसलिए थोड़ा सा बैठ गए थे, तो मम्मी ने सोचा कि ये मैसेज हमें बताना चाहिए कि ऐसा गलती जो हमारे साथ हुआ है वो आप लोग रिपीट ना करो। तो बस यही है, बाकी चलो धीरे धीरे चलते हैं दादी के घर। यहाँ से सांभर बड़ा ले लेते हैं, चलो आओ। मम्मी एक वो खा ले, रवा डोसा। नहीं यही खा के जाएंगे पहले, लेना फिर सांभर बड़ा पैक करना। बड़ा वो बड़ा होल वाला होता ना, होल वाला रवा डोसा बन रहा है। भैया ये रवा डोसा बना रहे हो आप? रवा डोसा इज इन मेकिंग, बस ऐसे बन जाता है।
क्या अच्छी है। जलेबी पैक करा लेते हैं, ठंडी हो जाएगी तो फिर इसके बाद खाएंगे। इसके बाद हम खाएंगे जलेबी। घर ही खा लेंगे, इतनी जल्दी ठंडी तो नहीं होगी भैया। ये पैक करा के ले जाएंगे अगर टैंकर तक सही रहेगी तो वे पैक करा लेंगे। एकदम पतला होता है ये नहीं। हमारा रवा डोसा आ गया है। मम्मी अब आप इसकी भी रेसिपी डाल ही देना, आपको एक आंटी ने सिखाया था ना वो जो अपने रेंट पे रहते थे। कैसा लगा मम्मी इतने टाइम बाद खा के? मैंने रवा खाया लेकिन इतना पतला कभी नहीं खाया तो मस्त लग रहा है बहुत ज़्यादा। मम्मी टेबल पे दिख रहा है। मम्मी लेके आ गई है रसगुल्ले। रसगुल्ले खाने का मन था आपका? काफ़ी टाइम में आते हैं लेकिन अब क्या करें थोड़ा दूर है इसलिए। चलो पहुंच गए हम लोग दादी के घर। और दादी कैसी हो? देखो हम आपके लिए क्या लेके आए हैं। कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? अच्छा दादाजी कह रहे थे मुझे वो दिखी वो वाली गली जो छोले भटूरे खाते हो आप लोग। छोले भटूरे खाने जाते थे शादीपुर में? शादीपुर में ढलान से नीचे उतर के। हाँ वो जगह दिखी और दादाजी दिखे मुझे। मतलब दादाजी की फोटो वाली शक्ल ही दिखी, वैसे नहीं जो हमारी फोटो है ना वही वाली शक्ल दिखी थी। दादी से चलो मिलने चलते हैं। तो फिर मम्मी ने कहा कि चलो वो तो नहीं लेके जा सकते वो तो ठंडे हो जाएंगे। अरे जन्मदिन नहीं है इन्हें दादाजी दिखे रात को कि दादी। तो फिर छोले भटूरे तो ठंडे हो जाते ना तो हमें खिलाना चाहिए तुझे। नहीं तो मैं मम्मी ने बताया फिर आप सांभर बड़ा भी खाने जाती थी उनके साथ तो हम आपके लिए सांभर बड़ा लेके आए। वो तो पिघल जाती है इसलिए कहाँ से ला पाते। सही है या फिर छोले भटूरे लाने चाहिए थे? ऐसे हो गए जो छोटे गोदी के बच्चे हो गए वो वहाँ संग ले जावे, जो बड़े बड़े बच्चे हो गए उनको पैसे ले जाओ लो तुम खाई जाओ। चलो अब डाल दो मम्मी के। तो बाबूजी भी ने वो बताया था ना कि भाई अब वहाँ पे कुल्फी खाने जा तेरी माँ को भी खिलाते थे। मैं तो बस सांभर खाऊंगी मुझे बड़ा नहीं खाना। दादी ऐसे तोड़ के खाती है दादी। ओ भाई दादी ने तो पूरा बना दिया मिक्सचर। चटनी भी डाल दी। सही है बार बार की टेंशन खत्म एक ही बार में। मस्त सांभर टेस्टी है ना तभी मेरा वहाँ पे भी मन कर रहा था। थोड़ा सा हो रहा था पेन इसलिए मुझे यहाँ पे ये पहाड़ी वाला पटेल नगर में है। पटेल नगर पहाड़ी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो मैंने सोचा पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉस्पिटल तो मैं यहाँ आई हूँ। अब मेरा एक्सरे भी हो रहा है हो गया मतलब अब रिपोर्ट मिलेगी देखते क्या निकला। बस उसी का वेट कर रहे हो। मुझे भी इंजेक्शन लगना है तो बस ये करवा के फ्री होते हैं। मोनू सोनू को भी बुला ही लिया था पता नहीं है क्यों हंस रहे हैं ये लोग। बहुत हंस रहे हैं क्योंकि इनको ये लग रहा है कि गलती इनकी थी लेकिन गलती कुछ नहीं थी। गलती थी हालांकि हमारी पापा की परी बस गाड़ी स्लिप हो गई और हम दोनों गिर गए और कुछ नहीं हुआ था बस। लेकिन मोनू हमें बहुत दर्द है।
ये देखिए एक्स्ट्रा मिल गया है, लेकिन हल्की ऐसा मांस फटा हुआ है, उसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं हुआ, एक दो दिन में ठीक हो जाएगा। और टैबलेट भी है दो टाइम के लिए, जेल लगाना है बस। बस इंजेक्शन में दर्द हुआ था बड़ी जोर से, आपको नहीं हुआ? हुआ था मुझे तो, हुआ था बहुत जोर से हुआ। बाकी छोटे छोटे तो आती रहती है।